यही कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ऐसे ही है, आप उसको ऐसे समझ लीजिए हम लोग के घर की जबान में, कि जैसे दाल में तड़का लगाते हैं और वो जो बिरयानी वो पुलाव में हम लोग वो फूली डालते हैं जो प्याज का होता है, तो अगर पुलाव पे फूली ना हो तो भी पुलाव का वही मजा है, लेकिन जो खुशबू और जो खिंचाव है वो उस फूली में है। उसी तरह से जो तड़का है उसके उसका खिंचाव है, केक की जो आइसिंग है वो खींचता है आदमी को। तो केक तो हम लोग हैं बन जाते हैं, चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर आइसिंग नहीं है। मुदस्सिर टॉक शो, अ टॉक शो ब्रिंगिंग एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड, एन एक्सक्लूसिव शो टू इंस्पायर यू, एन एक्सक्लूसिव शो टू मोटिवेट यू, एन एक्सक्लूसिव शो टू शेप अप योर करियर। बहुत ही मामूली तारुफ है, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अख्तर है, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद जमील अख्तर साहब और वालदा मोहतरमा मरहुमा असलमा खातून साहबा हैं। मेरी पैदाइश पाटकुई में हुई और पाटकुई महानंदा नदी के किनारे है। दरअसल में हमारा जो घर है, घर की जो पीछे वाली दीवार है वो नदी से 150 मीटर की दूरी पे है। या तो नदी पे हम रहते हैं या नदी हमारे घर के पास रहती है। कभी मुंशी जी या मास्टर साहब पढ़ाते थे, फिर 3-4 साल वहाँ पढ़ाई हुई, उसके बाद प्राइमरी स्कूल पाटकुई में दाखिला करा दिया गया, वहाँ 5वीं तक पढ़ाई हुई। जब दाखिला हुआ तो हम लोग चटाई पे बैठते थे, और जब 5वीं दर्जे में पहुँचे तो वो दो गंज भी आया, तो 4थी और 5वीं के बच्चों में लड़ाई होती रही कि कौन से पे बैठेंगे, तो वो अल्टरनेट डे करके ये मसले को सुलझाया उस्तादों ने। यकीनन ये सारे स्कूल, चाहे वो मकतब रहा है या पाटकुई प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल गांगी घाट या किशनगंज, ये सारे उस्ताद जो थे वो इतने अच्छे उस्ताद थे, और वो उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को इतना आसान बनाकर नगमे की तरह हम लोगों के कानों में डाल दिया। मास्टर्स के लिए मैं अलीगढ़ चला गया, कंप्यूटर साइंस MCA में दाखिला लिया, और वो एक उन दिनों टेस्ट होता था और टेस्ट के सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने वहाँ से MCA किया। कि लोगों को कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ डिग्री हो जाना काफ़ी नहीं है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या कोई भी डिग्री, सिर्फ लोग ये अगर समझ लें कि साहब मैं किसी डिमांडिंग फील्ड में डिग्री ले चुका हूँ तो मैं मेरे लिए ये काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है। किसी भी फील्ड में, ये इवन मेडिसिन में, अगर कोई शख्स अपनी पढ़ाई मेडिसिन में कंप्लीट कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बशर्ते कि वो एक अच्छा डॉक्टर न बने। 2 साल पहले मैं किशनगंज गया था, तो एक जगह से मैं जा रहा था, एक गली से, तो ये पास में जो घर था उसमें एक साहब फिजिक्स पढ़ा रहे थे। मैं रुक गया, मुझे वो जिस अंदाज में पढ़ा रहा था वो बच्चा, वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो भी एक यंग बच्चा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी फिजिक्स MIT में भी नहीं पढ़ाई होती है। मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ कि जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वो मान के चलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको तो असाइनमेंट दे के निकल जाते हैं, आप खुद ही चूंकि अच्छे हैं आप अच्छे हो जाते हैं। हमारी जमीन में तो जो लोग अच्छे नहीं है, मुझ जैसे लोगों को उस्ताद उंगली पकड़ पकड़ करके कुछ चलना सिखा देते हैं, कमाल तो वो है। तो मुझे अपने इलाके की जो तालीमी वो है उस पर बड़ा फख्र है, नाज है। ये खुशी की बात होगी मेरे लिए अगर मैं किसी के किसी काम आ सकूं। तो सोशल मीडिया से जुड़ जाएं, फेसबुक से जुड़ जाएं, कॉल कर लें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, कोई मसला नहीं है। देखिए हम चंद लोग एक साथ मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो रास्ता आसान होगा। और मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढता हूँ और मुझे, मैं हर बार फेल होता हूँ। क्या जीने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आए आदमी आया खाया पिया और इस दुनिया से चला गया? इतना तो सब लोग करते हैं और जिसके नसीब में जितना होता है वो करके चला जाता है। मैं बार बार मकसद ढूंढता हूँ और दिखता नहीं है कि हमने कहीं कुछ किया है, तो अगर किसी के किसी काम कहीं आ जाऊँ तो बड़ी खुशी की बात होगी, कोई मसला नहीं।